बॉलीवुड एक्ट्रेस मनीषा कोइराला 90 के दशक में फैंस के दिलों की धड़कन हुआ करती थी। सुभाष घई की फिल्म सौदागर से मनीषा बॉलीवुड में लॉन्च हुई। पहली ही फिल्म से वो स्टार बन गई और उन्हें इलू इलू गर्ल का नाम मिल गया। इसके बाद 1942 में लव स्टोरी, बॉम्बे, अग्निसाक्षी, दिल से, मन, खामोशी द म्यूजिकल, अकेले हम अकेले तुम समेत कई फिल्मों के बदौलत उस दौर की लीड एक्ट्रेसेस में अपनी जगह बनाई रही। साल 2003 तक मनीषा का फिल्मी करियर शानदार रहा। वहीं मनीषा साल 2012 में कैंसर की शिकार हो गई थी, लेकिन अमेरिका में करीब एक साल के इलाज के बाद उन्होंने कैंसर से जंग जीती। नए सिरे से अपनी जिंदगी को पटरी पर लेकर आई। साल 2018 में उन्होंने संजू जैसी हिट फिल्म में काम किया। मनीषा अब सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं। आए दिन वो अपने खूबसूरत घर की तस्वीरें शेयर करती रहती हैं। मनीषा का मुंबई के अंधेरी इलाके में पेंट हाउस है। उन्होंने अपने ड्यूप्लेक्स पेंट हाउस को बहुत खूबसूरती से सजाया है। मनीषा के घर में वुडवर्क बहुत शानदार तरीके से किया गया है। वहीं नेपाल के आर्ट एंड क्राफ्ट की झलक उनके घर में देखने को मिलती है। मनीषा का लिविंग रूम बहुत ही खूबसूरती से सजा है। उनके लिविंग रूम के बीचों बीच एक पेड़ के तने को सजाया गया है। ये उनके घर को यूनिक लुक देता है। मनीषा अपनी ज्यादातर तस्वीरें उस पेड़ के इर्द गिर्द ही क्लिक कराती हैं। घर में कई जगह पर रेड कलर के आर्टिफिशियल फ्लावर्स भी सजे हैं। मनीषा ने अपने घर को हल्के रंग से पेंट करवाया है। घर के पर्दे और सोफे सफेद रंग के हैं, जिसकी वजह से घर काफी बड़ा और खुला दिखाई देता है। उनके लिविंग रूम में गणपति की मूर्ति रखी है। साथ ही एंटिक फर्नीचर उनके लिविंग रूम को राजसी लुक देते हैं। व्हाइट सोफे और पर्दे का कॉम्बिनेशन भी उनके लिविंग रूम को रॉयल लुक देता है। मनीषा के लिविंग रूम में सीढ़ियां हैं। घर की दूसरी मंजिल पर उनका बेडरूम है। मनीषा के घर में वुडवर्क बहुत शानदार तरीके से करवाया गया है। जो फर्नीचर है उनको ट्रेडिशनल लुक दिया गया है। उनके घर में हुआ वुडवर्क भी लोगों का ध्यान खींचता है। वहीं उनके घर में फ्लोरिंग में भी वुड का इस्तेमाल हुआ है, साथ ही टाइल्स भी लगाए गए हैं। मनीषा ने घर की सजावट में खुद बढ़कर हिस्सा लिया है। सजावट की कई चीजें वो विदेश से लेकर आईं। मनीषा ने सिर्फ लिविंग रूम नहीं बल्कि घर के हर हिस्से की सजावट पर ध्यान दिया है। आपको बता दें कि मनीषा कोइराला के दादा विशेश्वर प्रसाद कोइराला नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं। उनके पिता का नाम प्रकाश कोइराला और माँ का नाम सुषमा कोइराला है। मनीषा कोइराला रहती तो मुंबई में है, लेकिन नेपाल उनका आना जाना लगा रहता है। उनका परिवार अब भी नेपाल में रहता है। मनीषा की मम्मी आए दिन उनसे मिलने मुंबई आती रहती हैं। कभी अपनी खूबसूरती और टैलेंट की बदौलत बॉलीवुड पर राज करने वाली मनीषा इन दिनों बहुत कम फिल्में करती हैं। आए दिन वो इवेंट्स अटेंड करती हैं। वहीं मनीषा घूमने फिरने की भी शौकीन रही हैं। कभी अपने अफेयर्स को लेकर चर्चा में रहने वाली मनीषा इन दिनों सिंगल हैं। उन्होंने शादी भी की थी, लेकिन वो नाकाम रही। मनीषा कोइराला की शादी नेपाली बिजनेसमैन सम्राट दाहाल से 19 जून 2010 को हुई थी, लेकिन ये शादी ज्यादा दिन तक टिक नहीं सकी और 2012 में उनका तलाक हो गया। मनीषा की माने तो उनकी शादी उन्हीं की वजह से टूटी थी। मनीषा अध्यात्म का रुख कर चुकी है। फिल्मों के साथ साथ इन दिनों वो अपने तमाम शौक पूरे कर रही हैं, जिन्हें वो बिजी शेड्यूल की वजह से पूरा नहीं कर पाई थी। इन दिनों वो अपने फिटनेस पर पूरा ध्यान दे रही हैं। मनीषा रोज योग करती हैं। आए दिन वो सोशल मीडिया पर योगा की तस्वीरें शेयर करती रहती हैं। मनीषा को घर की सजावट के साथ साथ गार्डनिंग का भी बहुत शौक है। आए दिन वो अपने गार्डन में लगे पौधों की तस्वीरें शेयर करती है। मनीषा ने अपने गार्डन में एक सोफा भी लगा रखा है। सोफे पे बैठकर वो योग करती हैं। उनके घर में काफी हरियाली है, जिससे उन्हें पॉजिटिव फीलिंग मिलती है। गार्डन में उन्होंने बॉन्साई पौधे भी लगा रखे हैं। उनका टेरिस गार्डन उनकी फेवरेट जगह है। ओवरऑल देखा जाए तो 50 साल की हो चुकी मनीषा अब बॉलीवुड की भागदौड़ से दूर सुकून की जिंदगी जी रही हैं।